नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप? तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे IFB वाशिंग मशीन, फ्रंट लोडिंग वाशिंग मशीन के बारे में। काफ़ी कमेंट्स आ चुके हैं कि आपने इसको यूज़ किया है, कैसा लगा आपको, रिव्यू देना है मुझे, मतलब इस मशीन पर काफ़ी लोगों ने रिव्यू मांगा है। तो मैं सोचा चलो एक वीडियो बना लेते हैं, काफ़ी देर होगी मुझको वीडियो बनाने में, चक्कर ये काफ़ी टाइम से दर्शक वेट कर रहे होंगे, पर सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, मेरी भी रहती है कि टाइम नहीं मिलता इतना। तो मैंने इस मशीन को, IFB फ्रंट लोडिंग वाशिंग मशीन को, एक साल पहले मई 2022 में परचेज किया था। अब है अगस्त की 23 तारीख 2023, तो एक साल से ऊपर मुझको इसको यूज़ करते हुए हो गया है। तो मैं अब आपको अपना रिव्यू दे रही हूँ। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, IFB फ्रंट लोडिंग्स के अलावा मैंने वर्लपूल की टॉप लोडिंग भी यूज़ कर रखी है, LG की सेमी भी यूज़ कर रखी है ये। और बहुत साल पहले जब मैं छोटी बच्ची थी, मेरी मम्मी को देखती थी मैं, तो जो पहले सिंपल मशीन आती थी वो भी मैं मतलब देखती थी उनको यूज़ करते हुए। तो उसके बारे में मैं कुछ बता दूंगी आपको, वो बेस्ट है वैसे अब तक की, क्योंकि कपड़े उसी में ही सबसे ज़्यादा मुझको साफ लगे हैं। वाइट जो कपड़े होते हैं, वो जो पहले चलती थी जिसमें पानी गर्म होता रहता था, एक ही टाइप की होती थी जिसमें सूखने का कुछ ऑप्शन नहीं होता था। हाँ, सूखने का उसमें ऑप्शन नहीं था, सिर्फ आप वॉश कर सकते थे, काफ़ी मतलब उसमें गर्म हो जाते थे, और सफ़ेद कपड़े उसमें मतलब मुझे बढ़िया लगते थे, और उसकी स्पीड भी अच्छी थी घूमने की टप की। तो वो मुझे जो पहले चलती थी वो वाशिंग मशीन बेस्ट है, पर वो सारी मैनुअली थी, मतलब आपको उसमें से निकालना, धोना, सुखाना सब काम खुद करना पड़ता था, लेकिन वाइट कपड़ों के लिए वो बेस्ट थी। तो चलिए मैं अब इस पर आ जाती हूँ। इसमें एक तो आपको लिक्विड डिटर्जेंट ही यूज़ करना है, वही सेफ रहेगा। फ्रंट लोडिंग वाशिंग मशीन का डिटर्जेंट अलग आता है, वो लिक्विड आता है, और यदि आप इसमें पाउडर डालेंगे तो इसकी लाइफ थोड़ी कम हो जाएगी। पाउडर वाला सर्फ आपको नहीं डालना है, लिक्विड डालना है। लिक्विड सर्फ वो डालना है फ्रंट लोडिंग वाला, क्योंकि उसके अंदर झाग कम बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर पानी ये कम लेती है। यस, ये इसका एक फ़ायदा है, ये पानी कम लेती है, पानी कम लेती है इस कारण इसमें बिजली की खपत भी कम होती है फ्रंट लोडिंग में। और जो टॉप लोडिंग होती है, चाहे सेमी हो चाहे टॉप लोडिंग हो, उनमें पानी से ही मतलब वॉश होते हैं, पानी को ही चलाना पड़ता है, मतलब बिजली का जो मेन काम है पानी को चलाना है, उसके अंदर कपड़े को हिलाना है, तो उसके लिए ज़्यादा खपत होती है बिजली की, इसलिए पानी उसमें पूरा हमें भरना पड़ता है टब में, तो पानी की भी उसमें खपत ज़्यादा होती है और बिजली की भी खपत ज़्यादा होती है। इसमें पानी और बिजली दोनों की खपत कम होती है, इसका एक फ़ायदा है। दूसरा इसका ये फ़ायदा है, आप इसको लगा कर छोड़ दीजिए और बस फिर जब इसमें धुल जाएंगे कपड़े, तभी इसका आगे का जो गेट होता है, डोर होता है, वो ही तभी खुलेगा, बीच में आप इसको नहीं खोल सकते। जैसे कि टॉप लोडिंग या सेमी में आपको ध्यान आता था, अरे यार इस साइकिल में हमें एक दो कपड़े उड़ालने हैं, तो आप उसमें बीच में खोला उसका ढक्कन और डाल दिया, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक बार बंद करके आपने स्टार्ट का ऑप्शन दबा दिया तो वो स्टार्ट है, वो धुलने के बाद ही वो होएगी। लेकिन इसमें 1400 RPM है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट कपड़े सूख जाएंगे आपके, टॉप लोडिंग से ज़्यादा अच्छे सूख जाएंगे, क्योंकि उसकी 800 से 900 RPM है। तो इसका जो स्पिन का वो है सर्कल, वो मतलब काफ़ी तेज़ है, तो इसमें कपड़े ज़्यादा अच्छे तरीके से सूख जाएंगे, जिनको आपको धूप में तो डालने पड़ेगा ऑब्वियसली, धूप में आपको सारी मशीन के कपड़े डालने पड़ेंगे। जो कपड़े, वो मशीन होती है वॉश ड्रायर, जिसमें कि आपको धूप में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा निकालो और पहन लो, वो एक अलग होती है, लेकिन जो मशीन है इसमें आपको धूप में डालने पड़ेंगे, लेकिन इसमें अच्छी तरीके से निचोड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें 1400 होती है, और जो टॉप लोडिंग में होती है उसमें 800 से 900 होती है, तो उसमें कम होती है जो स्पिन का वो होता है, उसमें कम होता है, तो उसमें थोड़ा सा पानी उसमें रह जाता है, मॉइस्चर रह जाता है, इसमें अच्छी तरीके से मतलब निचोड़ जाते हैं, लेकिन धूप में आपको फिर भी डालने पड़ेंगे। इसमें आपको रिपेयर और मेंटेनेंस ज़्यादा पड़ती है, फ्रंट लोडिंग में ज़्यादा पड़ती है अपेक्षाकृत टॉप लोडिंग, और सेमी में तो कम ही पड़ती है, क्योंकि सारा मतलब आप देख लीजिए, फ्रंट लोडिंग में एक तो ये महंगी भी आती है, टॉप लोडिंग से महंगी आएगी, और इसमें रिपेयर और मेंटेनेंस का भी खर्चा ज़्यादा होगा, और इसमें आपको 200 रुपये का हर महीने का पाउच डालना होगा सफाई के लिए। पीछे की तरफ लगा होता है फिल्टर, जो कि आपको 1.5 साल में एक बार जरूर बदलवाना है, इसका आपको लेना पड़ेगा, नीचे का स्टैंड भी आपको लेना चाहिए और इसका ऊपर का कवर भी आपको लेना चाहिए। और वाटर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, जो भी टॉप लोडिंग है चाहे आपकी फ्रंट लोडिंग है, वाटर सप्लाई यानी कि पानी का प्रेशर अच्छा होना चाहिए, तभी कपड़े इनमें धुल सकते हैं। सेमी में तो आप बाल्टी से भी डाल सकते हो पानी, और उसमें बकेट में भरकर आप मैन्युअली सारा काम होता है सेमी में। तो ये जो फ्रंट लोडिंग है, इसमें फीचर्स ज़्यादा आपको अच्छे मिल जाते हैं टॉप लोडिंग, और सेमी का तो एकदम बिल्कुल मैनुअल है, उसकी तो आप बात अभी छोड़ दो, तो टॉप लोडिंग से अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। 40% कम इसमें पानी का यूज़ होता है, स्पिन स्पीड भी इसमें काफ़ी अच्छी होती है, एक नॉर्मल घर के लिए 7 से 8 किलोग्राम की वॉशिंग मशीन सही रहती है। इसमें जो आप सर्फ डालोगे वो मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें फ्रंट लोडिंग वाला आपको सर्फ लेना पड़ेगा, और पाउडर वाला सर्फ आपको नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पानी का कम यूज़ होता है, तो और पाउडर वाले में काफ़ी झाग होता है,
और लिक्विड जो आप इसमें सर्फ यूज़ करोगे तो उससे लाइफ भी इसकी सही रहेगी, पाउडर यूज़ करोगे तो लाइफ पर असर पड़ेगा वॉशिंग मशीन की। ये जो वाइब्रेशन और जो आवाज़ होती है वो टॉप लोडिंग में ज़्यादा होती है और इसमें फ्रंट लोडिंग में थोड़ा कम होती है, उसकी अपेक्षाकृत होती इसमें भी है, वाइब्रेशन भी होगी, आवाज़ भी थोड़ा करेगी, लेकिन सेमी में जरूरत से ज़्यादा होती है कि आपके अड़ोस पड़ोस को पता चल जाएगा, हाँ भाई कपड़े धुल रहेंगे। टॉप लोडिंग में ज़्यादा कंट्रोल है आपका, फ्रंट लोडिंग में कंट्रोल कम है। ओब्वियसली जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, उसमें आपका यदि कोई कपड़ा रह जाए तो आप उसका ढक्कन खोल कर डाल सकते हो, उसमें आप ढक्कन खोल कर नहीं डाल सकते। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, इसकी सफाई पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा फ्रंट लोडिंग में। जैसे इसका आप डोर खोलते हो रबड़ होती है, तो जब आप महीने में एक बार आप इसके अंदर 200 रुपये वाला पाउच का जो पाउडर है इसको टपलिंग के लिए वो डालोगे, तो तभी आपको एक सूखा कपड़ा लेके इसके जो रबड़ है उस पर हाथ अंदर की तरफ से भी मार लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर गंदगी इकट्ठी हो जाती है। यदि वो साफ़ नहीं करोगे आप तो आपके कपड़े भी साफ़ नहीं धुलेंगे। और इसमें 10 से 12 कपड़े ही एक बार में आप डाल सकते हो, उससे ज़्यादा आप डालोगे तो वो कपड़ों की जो सफाई है उस पर फ़र्क ऑब्वियसली आएगा ही, इसलिए 10 से 12 कपड़े ही डालने हैं एक बार में। इसका टब जब आप क्लीन करोगे पाउडर डाल के, उसके बाद सूखे कपड़े से डाल देना, और नीचे की तरफ जो फिल्टर लगा होता है उसको आपको खुद नहीं साफ़ करना है, जब आपका सर्विस वाला आएगा तो वो ही साफ़ करके जाएगा उसको। उसने मतलब मेरे यहाँ जो आया था उसने मना कर दिया कि आपको ये नहीं करना है, हम जब आया करेंगे तब साफ़ कर दिया करेंगे, आपको सिर्फ इसके अंदर सर्फ डालना है, जो 200 रुपये का पाउच है वो हर महीने डालना है, और रबड़ है जो उस पर आपको हाथ मारना है, और इस तरह से सूखे कपड़े से इसको आप बाहर से साफ कर सकते हो। कवर आपको लगाना ही है इसके ऊपर, अच्छा रहेगा लगाओगे, क्योंकि मेरी तो उसमें बालकोनी में खड़ी हो तो कवर रहेगा तो रेन वगैरह से बचाव रहेगा। वैसे तो मैं इसको कपड़ा डाल कर भी रखती हूँ, क्योंकि बालकोनी में है मेरे, तो उसमें धूप डायरेक्ट पड़ती है तो ख़राब होने का चांसेस ऑब्वियसली होते ही हैं। फ्रंट लोडिंग में आपको अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे काफ़ी इसमें धुलने के लिए, जैसे डेलिकेट होते हैं आपके कपड़े उनके लिए अलग ऑप्शन होता है, मतलब गर्म कपड़ों के लिए अलग, इसलिए अलग अलग तरीके के इसमें ऑप्शन है, आप ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी है चलाना, जब तक आप चलाते हो ना जब तक कि आपको लगता है कि थोड़ी समझने में कोई दिक्कत है, लेकिन जब आप एक बार चलाने लग जाओगे तो बिल्कुल ईजी है इसको समझना, कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है इसको समझना, इसलिए आप। लेकिन इसमें हाँ वेयर टियर जो होता है मतलब कपड़ों का एकदम गुच्छा सा बन जाता है सूखने के बाद, वो टॉप लोडिंग और सेमी में ज़्यादा होता है, इसमें थोड़ा कम होता है। इसमें मेन एक 15 मिनट का साइकिल होता है कपड़े धुलने का, मोस्टली वही यूज़ करते हैं सब, क्योंकि 15 मिनट में धुल जाते हैं, लेकिन मैं 45 मिनट का लेती हूँ उसमें साइकिल के, मतलब अच्छे तरीके से उसमें वॉश हो जाए, अच्छे तो उसमें भी होते हैं लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है कपड़े धुलने में, और टॉप लोडिंग में कपड़े धुलने में कम टाइम लगता है। यदि लाइट बीच में चली गई तो आप टॉप लोडिंग में से कपड़े निकाल कर उनको झकोल कर उनको धूप में डाल सकते हैं, लेकिन इसमें तभी आप निकालोगे जब पूरा साइकिल हो जाएगा, मतलब धुल जाएंगे सूख जाएंगे सब, तब आप इसको खोल सकते हो, और फिर उसके बाद धूप में डाल सकते हो, बीच में आप इसको इसका डोर नहीं खोल सकते लाइट जाने पर भी। तो इसलिए एक बार आपने इसका डोर बंद कर दिया तो धुलने के बाद ये खोलेगा, और वो तो आपको है ही मतलब सभी मशीन में कि आपको चेक कर लेने चाहिए सभी चीज़ें, पॉकेट वगैरह की मतलब कुछ इसके अंदर ना हो, कॉइन्स वगैरह ना चले जाएं, क्योंकि इससे दिक्कत हो जाती है, फिर मशीन की लाइफ पे ही फर्क पड़ता है। वॉशिंग मशीन के सर्विस वाले जून में आए थे, 1 साल के बाद आए थे, बोले थे कि हर 3 महीने बाद अब आएंगे, लेकिन जून जुलाई अगस्त देखते हैं अब अगले महीने आते हैं या नहीं आते हैं। 1 से 1.5 साल के बाद वो फिल्टर चेंज करने को बोला था पीछे वाला, हमने लास्ट टाइम तो हमने करवाया नहीं था क्योंकि 1 साल ही हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ इतना हार्ड पानी भी नहीं आता है, क्योंकि जिनके हार्ड पानी की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको 1 से 1.5 साल के बीच में उसको चेंज कराना है। इतना हार्ड नहीं आपके पानी तो आप उसको दिखा सकते हो हमारा चेंज होना है, अब नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा तो हमें चेंज कराना पड़ेगा पीछे का फिल्टर जो है। तो मेन बात मोटी मोटी मैं आपको बता देती हूँ, टाइम हमारा मतलब हम हाउस वाइफ का टाइम काफ़ी बच जाता है इसमें, एक बार कपड़े डालो और बस सूख के निकलेंगे और उसको फिर धूप में डाल दो, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, हमारा टाइम इसमें बच रहा है। लेकिन हाँ मेंटेनेंस में और रिपेयर में इसमें पैसे लगेंगे यदि आगे दिक्कत हुई तो। और दूसरा है कि इसमें लिक्विड सर्फ डलता है जो कि थोड़ा महंगा आता है, और हर महीने 200 रुपये का वो खर्चा जो टब क्लीन के लिए है, तो ये तो मेन मेन है इसके खर्चे, और इसके अलावा पानी कम है, बिजली कम इसमें लगती है, और कपड़े साफ का तो देखो मुझे कपड़े जो साफ का है उसकी कपड़े साफ की जो क्वालिटी है वो मुझे पहले जो है फर्स्ट जो मशीन बनी थी जिसमें सूखने का नहीं था, गर्म पानी एकदम तेज होता था, तो वाइट कपड़े तो मुझे उसी के ही पसंद है धुले हुए, इतने ना मुझे इसमें मजा आ रहा है फ्रंट लोडिंग में, ना मुझे टॉप लोडिंग में, ना मुझे सेमी में मजा आया है वाइट कपड़ों का, मतलब वो वाली जो थी वो बेस्ट लगी थी मुझे कपड़े के साफ के उसमें क्वालिटी, कपड़ों की सफाई की क्वालिटी में जो पहली है, उसके अलावा आप देख सकते हैं। तो मैं तो आपको ये कहूंगी कि
हाँ सही है, अच्छी है ये, मुझे तो अभी तक तो अच्छी लग रही है। फ्रंट लोडिंग में भी अच्छी लग रही है, मुझे टॉप लोडिंग भी सही लगी थी। बस प्रोस एंड कॉन्स वो मैंने आपको बता ही दिया, सबका कंपैरिजन कर ही दिया है। इस क्वेश्चन के मैं रिप्लाई देना चाहूँगी, पूछा था किसी ने 95 डिग्री पर लगाने से कोई नुकसान तो नहीं होगा। टपकलिंग करते हुए सीधा 95 डिग्री पर ले जाता है, नहीं आपको 95 डिग्री नहीं लगाना है टपकलिंग करते हुए। जब इंस्टॉल करने आया था तभी मैंने ये चीज़ पूछी थी, तो उसने भी मना कर दिया था कि 60 से अबव आपको इसका टेम्परेचर नहीं रखना है टपकलिंग करते हुए। इसलिए आपको 60 से अबव इसका जो टेम्परेचर है नहीं रखना है, चाहे आप टपकलिंग कर रहे हो चाहे आप कपड़ों को वॉश कर रहे हो, तो 60 डिग्री से नीचे ही रखिएगा हमेशा इसका टेम्परेचर, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, वॉश कर रहे हो टपकलिंग कर रहे हो जो भी कर रहे हो। कमेंट्स था IFB सर्फ कहाँ मिलेगा, तो जो हमें मशीन है IFB फ्रंट लोडिंग, इसमें यदि आपको टपकलिंग करना है तो ये जो है ये आपको जब इंस्टॉल करने आएगा या सर्विस करने आएगा वही आपको ये देगा पैकेट, 200 रुपये का एक पैकेट है, और इसको हर महीने आपको साफ करना है। कैसे साफ करना है वो उसके ऊपर वीडियो है, आप देख सकते हैं। सीधा आप इसको काट के टब के अंदर, मतलब जो टब है उसके अंदर डाल दीजिए, बस फिर आप इसको सेट कर दीजिए टपकलिंग पर। और जो उसमें टेम्परेचर है 95 नहीं रखना है, 67 नहीं रखना है। दूसरा, यदि आप IFB सर्फ, तो IFB फ्रंट लोडिंग है, बोश की हो चाहे IFB की हो, कोई भी आपकी फ्रंट लोडिंग मशीन है, इसमें लिक्विड डिटर्जेंट यानी कि लिक्विड सर्फ ही डलेगा, पाउडर सर्फ इसमें नहीं डलेगा। पाउडर सर्फ डालने से इसकी लाइफ कम हो जाएगी, तो आप कोई भी लिक्विड सर्फ ले सकते हो, एक्सेल, एरियल, टाइड, मतलब लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए वो सर्फ, इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि इसमें झाग कम बनते हैं और फ्रंट लोडिंग में झाग कम बनने वाला ही सर्फ यूज होता है, क्योंकि इसमें पानी कम यूज होता है इसलिए। एक ने पूछा टपकलिंग कब करना चाहिए, ये वाला पाउडर डाल के आपको महीने में एक बार टपकलिंग करना चाहिए, टेम्परेचर 67 नहीं रखना है आपको, और टपकलिंग पकड़ के पूरा जो प्रोसीजर है वो वीडियो बना रखे देख लेना आप। मशीन में स्मेल आती है, मशीन में स्मेल इसलिए आ सकती है, एक तो उसकी सफाई नहीं हो पाती होगी। टपकलिंग कीजिएगा और जो उसकी रबड़ है दरवाजे के पास उसको महीने में एक बार साफ जरूर कर लीजिएगा, अंदर की तरफ से, ऊपर की तरफ से नहीं अंदर की तरफ से उड़ जाती है वो, तो वहाँ से भी आप सूखा कपड़ा करके उसको साफ कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी इकट्ठी हो जाती है वो फिर कपड़ों पे लगती है, कपड़े साफ नहीं होंगे, टब भी गंदा हो जाएगा, आप अंदर टब पे सूखा कपड़ा डालोगे ना अच्छी तरह से रगड़ोगे स्टील के उसको, तो वहाँ भी आपका कपड़ा थोड़ा सा काला सा हो जाएगा, मतलब मटमैला सा हो जाएगा यदि टब गंदा है, यदि साफ नहीं होगी तो बदबू आएगी ही, इसलिए मशीन को एक बार साफ महीने में जरूर कर लिया कीजिए। मशीन का स्टैंड कहाँ से खरीदा, मशीन का स्टैंड और मशीन का कवर मैंने जब इंस्टॉल करने आए थे तभी मैंने खरीद लिया था उसी वक्त ही, क्योंकि मेरे को फर्श पर रखनी थी मशीन, तो स्टैंड के ऊपर रहेगी तो सेफ रहेगी, और कवर मैंने इसलिए खरीदा क्योंकि बालकोनी में रखनी थी, पानी मतलब बारिश धूप सब आती है तो कवर करके उसके ऊपर मैं चादर वगैरह डाल देती हूँ जिससे कि वो सेफ रहती है। मैंने पूछा कपड़े धोने के बाद सुखाने की जरूरत तो नहीं पड़ती, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी क्योंकि मशीन है, चाहे सेमी ऑटोमेटिक हो चाहे फ्रंट लोडिंग हो चाहे टॉप लोडिंग हो, इसमें कपड़े आपको सुखाने के बाद धूप में डालने पड़ेंगे क्योंकि मॉइस्चर होता है इनमें। यदि आपको सीधा सूख मतलब कपड़े धोने के बाद सीधा आपको पहनना है तो उसके लिए आपको वॉशर ड्राई लेना पड़ेगा, उसमें आप सीधा धोने के बाद पहन सकते हो एकदम, उसमें आपको धूप में डालने की जरूरत नहीं पड़ती कपड़ों को। पानी कितना लेता है, पानी 40% कम लेता है टॉप लोडिंग से ही, और बिजली का कंजम्पशन भी कम है इसमें, मतलब लाइट भी कम लगती है इसमें, पानी भी कम लगता है, और आपका प्रेशर अच्छा होना चाहिए, पानी का जो पाइप होता है अच्छा प्रेशर आना चाहिए तभी धुल पाते हैं इसमें, ये बहुत इसमें अच्छी चीज़ है। इसमें एक तो पानी जहाँ पर कई एरिया हैं भारत में जहाँ पर पानी की दिक्कत है तो वहाँ के लिए ये मशीन अच्छी है, क्योंकि इसमें पानी भी कम लगता है और लाइट भी कम लगती है इसमें, मतलब फीचर्स इसमें आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे टॉप लोडिंग से। तो होप मैंने आपके सारे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दिया, यदि फिर भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगी। थैंक्स। तो ये है मेरी मशीन IFB की, 1400 RPM इसका सीनेटर WSS 8 किलोग्राम की है ये, और ये जहाँ पर IFB लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पर आप सर्फ डालोगे, लिक्विड सर्फ डालोगे, इस वक्त वॉश हो रहे हैं बल्कि हो चुके हैं मेरे तो, एंड चल रहा है, और यहाँ पर ये फिल्टर लगा हुआ है जो आपको 1 से 1.5 साल के बीच में आपको ये चेंज कराना है, आएंगे और सर्विस वाले आते हैं वे चेंज करते हैं, और ये जो फिल्टर है नीचे की तरफ ये जब सर्विस वाले आएंगे वही इसको साफ करेंगे, मुझको मना करके गए थे कि इसको आप खुद मत साफ करिएगा, और वे ही आके इसको साफ करेंगे। स्टैंड भी आपको लेना चाहिए, और ये जो रबड़ है ये अंदर की तरफ ये आपको साफ करनी है महीने में एक बार, और ये कवर भी आपको ले लेना चाहिए। आपको महीने में एक बार ये जो पाउडर है इसको आपको मशीन में डालना है और धोना है, टब में डालना है, टपकलिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर ये डालना है, ये 200 रुपये का एक पैकेट होता है,
और ये आपको मिलता है जो आपके यहाँ सर्विस करने आते हैं ना या इंस्टॉल करने आएंगे वे आपको दे के जाएंगे। 200 रुपये का एक पैकेट होता है, महीने में एक बार आपको ये जरूर डालना है अपनी मशीन में साफ करने के लिए। इससे जो भी अंदर गंदगी होगी वो बाहर निकल जाएगी। ये 100% वाला आपको डालना ही डालना है, ये स्किप नहीं करना है इसको। इस तरह के पूरा डब्बा हमें देकर जाते हैं। इसके अंदर 10 होते हैं, शायद 10 या 12 होते हैं, 10 यूनिट होती है। 100 ग्राम का एक पैकेट होता है और 200 रुपये का ये एक होता है और इसके अंदर 10 पाउच होते हैं इस तरह के। तो ये आपको हर महीने डालना है फ्रंट लोडिंग में, टॉप लोडिंग के लिए नहीं है ये फ्रंट लोडिंग के लिए होता है।